पे पिछले कल मतलब मैंने बताया था आपको कि मुझे बाजार जाना था, तो अर्जेंट काम था, तो फिर मैं और बेटा चले गए थे। शाम को नहीं गए थे, कम से कम कोई यही टाइम था हमारा, 11 बजे चले गए थे। तो यहाँ पे बड़ा जाम लगा हुआ था, यहाँ पे फिर ये उसके बाद आगे थे थोड़ा, फिर रेस्ट वेस्ट की। तो बेटे ने शादी में जाना था शाम को, तो ये चला गया था। यहाँ तैयार हो रहा था, मैं इसको मजाक कर रही थी, मैं क्या तो खुद ही दूल्हा बन के जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसके बाल ही सेट नहीं होते हैं, तो लगा हुआ था यहाँ पे। ऊपर मैं तो फिर ठीक शरारते करे, भी कर रहा ऊपर था, नहीं, बस ठीक बात, फिर बस 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 यहाँ पे ये तैयार श्यार हो गए। जो कोई आ लगा तो मैं सके, इसको बोल रही ठीक थी, है मैंने कहा तो ऐसा ना हो कहीं कि तू जाएगा और साथ में ले आएगा स्मार्ट कोई बॉय दुल्हन भी, तो ऐसे मजाक मैक्स कर रही थी। तो ये भी स्मार्ट। क्या इसको खाना है? लगा हुआ था मैक्स भी इसके साथ साथ में। लाडला, मैं मम्मा का लाडला हूँ, मैं लाडला हूँ, मम्मा का लाडला हूँ मैं। ठहर गई तू मालिक का, तू करा, तू करा मालिक है, मैं मालिक का दे रखा, तू मेरा मालिक का दो थप्पड़ है फिर बेटा तो चला गया था। तो ये रात की क्लिप है, तो ये आए थे, तो ये इसको बाहर सुलाया। तो ये देखो यहाँ पे सोया हुआ था, इसकी अपनी रजाई और सोया हुआ था। तो ये बोल रहे थे चल आ जा मेरे साथ ही सो जा, तो फिर बड़ा खुश होता है कि मेरे को अपने साथ सुला रहे हैं। तो बस अपने बिस्तर पे कम ही सोता है और इनकी टांगों के ऊपर सो जाता है जाके फिर। तो ये फिर उसके बाद जब सुबह हुई, तो सुबह फिर मैं फटाफट किचन में आई थी, क्योंकि आजकल ठंडी है तो लेट ही उठा जाता है। तो फिर आई मैं, ये बर्तन धोए थे मैंने रात को तो सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको लगा देती हूँ पहले, बाकी काम फिर बाद में करती हूँ। तो सुबह सुबह ये होता है, पहले मेरे को गर्म पानी दे दो, फिर मैं भी गर्म पानी लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको चाय होती है और मेरा फ्रेश होता है, फिर इनको चाय की बड़ी और लगी रहती है। फिर तब अभी मैं यहाँ बर्तन लगा रही थी, तो वो नीचे चले गए थे मैक्स को लेके, तो उसको फिर घुमाने के बाद फिर वो वापस आए ऊपर। तो फिर मैंने तब तक उनको चाय चूहे भी बना दी थी। फिर उसके बाद बेटे ने भी जल्दी आ जाना था सुबह, तो बेटा भी आ गया सुबह सुबह ही। तो क्या करना कुम्मी, कुम्मी करनी इस मैक्स का बस चले तो एक दिन तो ये कुम्मी बात करने करनी भी लग पड़ता है, बोलता पता नहीं क्या क्या है, ये समझ कुछ नहीं आता है। कुछ बातें तो मैं इसकी समझ आती हूँ, पर ऐसे ही लगा रहता है, ये खुद बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है ये। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना मैक्स? क्या करना बता, कुम्मी कुम्मी करनी, क्या करना, क्या करना? फिर सुबह के बाद जी सारा काम वाम हो गया, झाड़ू पोछा हमारा सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर बेटा भी फिर सो गया, बोलता मुझे सोना है, फिर ये सो गया था। तो मेरे फिर अगले काम शुरू हो गए। तो टाइम हो गया था यहाँ पे 11 बज गए थे, 11:15 हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मटर पुलाव बना देती हूँ, तब तक ये उठ जाएगा सुबह। तो इसने खा लिए थे, अरबी थी बचा हुआ, जो मिक्सर था वो बचा हुआ था, तो वो ग्रेवी मैंने डाल ली, सॉरी वो स्टफिंग उसमें परांठों में भर के बना दी थी। तो उसने भी 2 परांठियाँ खा ली थी, तो उसके पापा को भी मैंने यही नाश्ता दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चल अब 11:30 11 बजे तक जब वो सो तो गया है, तो मैंने सोचा मैं मटर पुलाव बना देती हूँ उसको भी और मुझे भी हो जाएगा। तो मैं तो इसी टाइम खाना खाती हूँ, तो अभी मैंने बनाया तो वो सो गया, बोलता मेरे को सोने देना थोड़ी देर, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है रात को। फिर वो सुबह आया था, तो रात को पता ही आपको शादी में तो फिर गाना बजाने होता है। और तो फिर यहाँ पे मैंने ये फिर सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं इसको ना, घी तो मैं बड़ा कम खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मटर आलू और ये गाजर और ये चावल भी धो के रख लिए थे। उसके बाद फिर ये तेल डाल दिया इसमें और फिर सोचा कि चलो ये भी शेयर कर देती हूँ रेसिपी भी आपसे। चलो बनाते तो अपने अपने तरीके से हैं सारे, तो मैं भी जिस तरीके से बनाती हूँ तो वो सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये है, प्याज डाल दिया, पहले जीरा डाला था, फिर उसके बाद प्याज डाल दिया। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो
इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ये भी इसको मतलब भून लेंगे अच्छे से। फिर जब ये भून जाएगा तड़का तो इसमें टमाटर डाल देंगे और फिर इसको भी थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मतलब मैं सारे मसाले डाल दूंगी इसमें ना, हल्दी नमक जो भी होगा। तो फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा पानी भी लगा दूंगी इसमें ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो क्या होता है कि नहीं तो मसाले जल जाते हैं, फिर धुआं धुआं सा हो जाता है और फिर खांसी भी लग पड़ती है। तो इस वजह से फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी भी मिला दिया था। तो ये अभी मैंने हल्दी नमक और जो भी इसमें जाता है मसाले, ये यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, फिर उसके बाद इसको ये लाल मिर्च जो रंग वाली होती है वो डाल दी, उसके बाद इसको अच्छे से भुना। तो ये दालचीनी का पाउडर ये भून लिया था, थोड़ा सा पानी मिला दिया यहाँ पे, ज़्यादा नहीं मिलाना है, मतलब इतना ही मिलाना है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। तो फिर यहाँ पे ये हो गए थे मेरे टमाटर भी, अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो मैंने धोया था मटर गाजर आलू चावल जो भी थे, तो वो धो के फिर इसमें डाल दूँगी मैं। बस ये फिर इनको अच्छे से थोड़ी देर ऐसे भूनते रहेंगे और फिर इसमें पानी डालेंगे, उतना ही पानी डालेंगे जैसे मैंने एक डाला था ना चावल का, तो फिर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए इसमें। तो अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और कुकर का ढक्कन देंगे बंद कर देंगे बंद। तो फिर बस उसमें 1 सीटी आएगी, ये कुकर ना सीटी नहीं मारता है पर मुझे अंदाजे से लग जाता है पता कितनी देर में हो गया होगा। तो फिर हेलो जी, राधे राधे जी, कैसी है मेरी YouTube फैमिली, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो चलो देखते हैं मैक्स ऊपर क्या कर रहा है। तो उसको बांध के आई थी मैं ऊपर, थोड़े से कपड़े वगैरह थे तो मतलब बेटी के आगे थे धोने को बैग, तो उसका भी हफ्ते का हफ्ता धोने को आ जाता है क्योंकि बच्चे तो अब लेट आते हैं उधर से, मतलब जहाँ वो कोचिंग लेती है तो उधर से अपने पीजी में लेट आती है, फिर उसको टाइम नहीं लगता है मतलब ये कपड़े वगैरह धोने को। चलो छोटे मोटे तो अपने जो अर्जेंट होते हैं वो तो उसको धोने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कोटियाँ हो गई, जैकेट हो गई, तो इस तरह के कपड़े फिर वो हफ्ते के हफ्ते में मंगवा लेती हूँ उससे। तो बेटा आता है तो वो ले आया था सुबह सुबह ही, शादी से आया था सुबह पहुँचा था, तो उसके बाद वो फिर मैंने बेटी के पास भेजे, मैं क्या उसके कपड़े ले आ, तो वहाँ से फिर वो तो फिर वो कपड़े ले आया उसके, और अभी मैंने उसके कपड़े धो दिए हैं। तो कल मतलब सुबह तो ये निकल जाएगा, तो कल संडे का दिन है तो कल वो उसको कपड़े दे आएंगे उसका बैग वहाँ पे। तो क्या है कि चलो हम तो मशीन में धोते हैं तो वो बेचारे हाथों से धोते हैं, अब बच्चों को आदत नहीं होती है इतना, मतलब चलो एक आधी शर्ट और पैंट हो तब तो हो जाता है, पर इतने सारे कपड़े बच्चे कैसे धोएंगे, हफ्ते के हफ्ते उन्होंने जाना होता है तो संडे का एक दिन होता है तो उस दिन उन्होंने पढ़ना कि कपड़े धोने, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं मंगवा लेती हूँ, तो आज उसके कपड़े थे धोने को, वो धोए उसके कपड़े और फिर देखते हैं मैक्स भी क्या कर रहा है इधर। तो मैक्सो क्या है, धूप लग रही है, है? धूप लग रही है तेरे को, क्या करना, नीचे चलना है, चल तेरे को छाया में बांधती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मैं छत पे आ गई हूँ इसके पास, ये बांध दिया मैंने इधर छाया में, ये बैठ गया। अब कल भी मैं बाज़ार गई थी तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये रोया नहीं पीछे से, तो 3-4 घंटे लग गए थे हमारे मार्केट में। तो वहाँ पे फिर जब मैं वापस आई तो मुझे यहाँ पे मैंने पूछ लिया था इधर आस पड़ोस में कि मैंने कहा आज तो नहीं रोया वो, तो कहते नहीं रोया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो इसको आदत पड़ रही है धीरे धीरे, तो ऐसे अकेला छोड़ूंगी इसको तो फिर इसका रोना बंद हो जाएगा और मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो बस फिर बेटा अभी नीचे सोया हुआ है, रात को शादी में था तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो सुबह सुबह तो चलो विचार आता है तो मेरे बड़े ज़्यादा काम करके जाता है, फिर मेरे मैं भी उसका वेट करती रहती हूँ 2-3 काम की, चलो छोड़ के रखती हूँ कि वो आएगा तो मेरा ये काम कर देगा। तो रात को आया था, सुबह फिर मैंने बेटी के पास भेज दिया, वहाँ से लाया, फिर कुछ और काम था तो सब्जी वो दूध तो चलो आ जा रहा है पर सब्जी वगैरह लानी थी तो मैंने कहा तू ही ले आ, तो वो भी लेके आया। फिर उसके बाद अब जाके
बोलता मम्मा मैं सो लेता हूँ, रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो अब सो गया है, तो नहीं तो वैसे बोल रहा था कि आज दिन दिन में मैं निकल जाऊँगा। मैंने कहा तू रेस्ट कर ले, तो कल फिर, कल संडे का दिन है तो कल सुबह फिर चले जाना तू आराम करके। तो अब एग्ज़ाम वगैरह भी लगने होंगे इसके, अभी तो चलो प्रैक्टिकल होंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, तो चलो वो भी होती है बच्चों को टेंशन। तो ये तो धो के आया था अपने कपड़े, पिछली बार आया था तो एक बैग भर के ले आया था, तो अब कह रहा था मम्मा मैं खुद ही धोया आया हूँ अपने कपड़े, उधर तो ज़्यादा भी नहीं थे। तो यही है जी बच्चों की, तो चलो अपने पास हो तब तो इतनी टेंशन नहीं होती है, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो बड़ी टेंशन लगी रहती है इनकी कि पता नहीं कैसे खा रहे होंगे रह रहे होंगे। तो ये सभी पेरेंट्स का ऐसा ही हाल है, मेरी बात नहीं है, सभी पेरेंट्स ऐसे ही हैं, सभी टेंशन लेते हैं। पर चलो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको अपने अच्छे बुरे का पता ही होता है, हमें भी ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको भी समझ आ ही जाती है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरा मेरे लिए बुरा है। तो यही है फिर, तो नीचे मैं अभी मटर पुलाव बना के आई, अब देखती हूँ कुकर चढ़ा दिया है तो देखती हूँ अब जाके कि हो गया होगा वो, तो फिर उसको भी उठाऊँगी थोड़ी देर के बाद और खुद भी खाऊँगी। फिर मिलती हूँ बाद में आपसे। तो यहाँ पे मेरे कुकर खुला तो ये देखो हो गया और बड़ा अच्छा हो गया है। तो चलो जी आओ जी आप भी खा लो, और बस फिर यहीं करती हूँ ब्लॉग का भी अंत, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। राधे राधे जी।